हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो सिंपल करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूं, दोनों को डाउनलोड करना है। इसके बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, वो स्लो नहीं होगा। इसके बाद हमें सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन वीडियो को रिमूव करना है। सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। कलर की पे आना है और ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं, हमने जो ग्रीन स्क्रीन सेट किया था वो वीडियो हमारा रिमूव हो चुका है, यानी कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। आपको वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, जैसे कि लगना चाहिए कि आप कुछ सपने देख रहे हैं। वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था, आपको इससे बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको इसको बता देता हूँ एडिट करके किस तरह से वीडियो को शूट करना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ। वीडियो को प्रेस करेंगे, लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है। इसके बाद जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वहाँ तक का सीन चाहिए। इसके बाद हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं, वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देते हैं, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। फाइनल हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है। जब हम प्ले करेंगे वीडियो तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लग रहा है कि आप कुछ सपने में कुछ देख रहे हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9.1 या फिर 9.0 के आसपास। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, जैसे कि अचानक आपको लग रहा है कि सपने देख रहे हो और नींद से आप उठ रहे हो। तो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था, तो मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं सो रहा था, सोने के बाद कैंपल करना क्या, एक शॉट हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। और मैं सबसे पहले इसे ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको लग रहा है अचानक से आप डर रहे हो, कुछ इस तरह से आपको शूट कर लेना है। वीडियो को प्रेस करेंगे, आपको कुछ इस तरह से आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है, जहाँ से आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो एडिट करना है। तो मैं यहाँ तक लेकर आ गया हूँ, इस वीडियो को प्रेस करूँगा, ऐसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट पॉइंट पर एडजस्ट कर दूँगा जहाँ से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 9.2 के आसपास आपको लेकर आना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या, फाइनली हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।